दिल्ली बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस के बीच की खींचातान का नया मुद्दा बना हुआ है। इसी वर्ष जनवरी में शबीहुल हसनैन के रिटायरमेंट के बाद दिल्ली सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश इस पद के लिए की थी, लेकिन LG ऑफिस ने दिल्ली सरकार की सिफारिश वाली फाइल को ये कहते हुए लौटा दिया कि इस नियुक्ति पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कानूनी सलाह ली जाएगी, फिर फैसला लिया जाएगा। अब LG ऑफिस का फैसला आने में देरी हुई तो दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय ने ये कहते हुए दिल्ली सरकार का साथ दिया कि LG एक चुनी हुई सरकार के काम में इस तरह का अड़ंगा नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने 2 हफ्ते में DERC चेयरमैन की नियुक्ति करने का आदेश दिया। तब तक जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव ने नियुक्ति में 5 महीने की देरी के बाद व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर अपना नाम वापस ले लिया। सवाल है कि अब क्या होगा। सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की बार बार दखल के बावजूद दिल्ली की सरकार और यहाँ के उपराज्यपाल के बीच का झगड़ा खत्म क्यों नहीं हो पा रहा। दरअसल केंद्र सरकार ने इसी वर्ष मई महीने के अंत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि स्वायत्त आयोगों और बोर्ड की प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगी। चूंकि राज्यपाल और उपराज्यपाल राष्ट्रपति के स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, तो दिल्ली में LG को राष्ट्रपति की यह शक्ति प्राप्त है। जस्टिस श्रीवास्तव के ऑफर ठुकराने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पद के लिए रिटायर्ड जस्टिस संगीत लोढ़ा का नाम की सिफारिश की है। हालांकि राष्ट्रपति ने रिटायर्ड उमेश कुमार को इस पद पर नियुक्त कर दिया। केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रपति की तरफ से की गई इस नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए अदालत में चुनौती दी। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में दलील दी, चूंकि सत्ता किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक हस्तांतरित विषय है, इसलिए केंद्र को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं। न्यायमूर्ति कुमार की नियुक्ति में इसलिए देरी हुई क्योंकि शपथ दिलाने वाली बिजली मंत्री आतिशी बीमार पड़ गई। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जस्टिस उमेश कुमार की DERC चेयरमैन पद के शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को DERC चेयरमैन पद के लिए सर्वसम्मत प्रत्याशी तलाशने को कहा। हालांकि ऐसा फिर नहीं हो सका। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के पास जिन नामों की सूची भेजी उस पर चर्चा के लिए हुई बैठक में आम सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वो अपनी तरफ से नियुक्ति करेंगे।